कुछ मुझे ना गर्ल्स मिल जाए, लड़की मिल जाए क्या दादा लड़की, अब हम हमें देखो हम होस्ट। दिस वाज ब्रिंग मी फ्लावर अलोंग विद द कॉम्बो मुर्ग टिक्का सो यू कैन गेट दिस फॉर 500। गर्लफ्रेंड को लेकर आए क्या दादा? मेरे पास तो नहीं है, आप अपनी वाली को ले आओ। मुझे भी तो यही मिला ना। इट हैज बीन डिजाइन बाय सुजान खान्स इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी। एनीथिंग यू ऑर्डर फ्रॉम दिस मेन्यू कॉस्ट पर एवरीथिंग कॉस्ट 249 ओनली। 249 फूड ड्रिंक्स एवरीथिंग। यस। वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ ट्रैपीज पे। जी हाँ, पार्क स्ट्रीट पार्क होटल के ठीक ऑपोजिट में है ट्रैपीज, और यहाँ पर बेस्ट कॉकटेल एंड बेस्ट फूड मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ ट्रैपीज में। अरे दादा, अरे मयूर, क्या बात है यार, आप जब देखो बार के सामने ही मिलते हो। अरे मैं मजबूर था। चलो दादा दारू पिलाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना तलाश कर रहा था कि भाई कुछ मुझे ना गर्ल्स मिल जाए, लड़की मिल जाए। क्या दादा लड़की, आप हमें देखो हम होस्ट कॉमेडियंस है। अरे वाओ, बड़ा फैंटास्टिक प्लेस, राइट? नाइस एंबियंस, रियली। तो चले दादा बार की तरफ। हाँ, पहले टाइम बिना वेस्ट करके बार की तरफ चलते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये है बार, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड वाओ, वंडरफुल। चलो बैठते हैं, है ना? सो फाइनली वी आर एट द बार। ओके, सो व्हाट डू यू ड्रिंक यूजुअली? कौन सी पीते हो तुम? क्या मतलब कुछ स्पेसिफिक है? आई यूजुअली प्रेफर व्हिस्की। तो फिर हम लोग उसकी कुछ ऑर्डर कर लेंगे। बट आई ऑलवेज लव टू ट्राई कॉकटेल्स, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब भी मैं कोई बार में जाता हूँ तो वहाँ पर कॉकटेल ट्राई इसलिए करता हूँ कि उससे ना पता चलता है कि बार का जो क्वालिटी है किस कदर है। सो मैं तो कॉकटेल ऑर्डर करूँगा। एंड दिस प्लेस इज नोन फॉर कॉकटेल्स। या एग्जैक्टली, तो आते ही रहता हूँ। अरे तो मैं भी जानता हूँ, इसीलिए मैं ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर आया हूँ। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा खासा होस्ट मिल गया। थैंक यू मैम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। बाय द वे, आपको मैं बता दूँ कि ये जो प्लेस है, ये प्लेस बहुत साल पहले शुरू हुआ था कोलकाता में। एंड इसका जो ओनर है, एक है फैशन डिज़ाइनर और एक है ज्वेलरी बिजनेस में माहिर इंसान। तो दोनों ने डिसाइड किया था कि इस प्लेस को बेहतर ढंग से क्यूरेट किया जाए, एक अलग सा वाइब दिया जाए कोलकाता को। तो इसीलिए शायद कुछ इंटरेस्टिंग किया होगा। तो दादा, टू फन फैक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा दैट दिस प्लेस हैज़ बीन डिजाइन बाय सुजान खान्स इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी। वाओ, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आप देख लीजिए इसका नज़ारा, तब तक हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या पियेंगे, है ना? तब तक क्या देख लें वेन्यू को? हाँ चलो, तो देख लेते हैं। चलो आगे आगे जाते हैं। बड़ा प्लेस मैन, अगर तुम नहीं बोलते तो शायद मैं यहाँ पर पहुँचने नहीं। मैं ट्रैपीज में एक बार लास्ट आया था और वहाँ पर आके मैंने ना खाना खा के नीचे से चला गया था, मैं ऊपर आया ही नहीं, कोई बताया नहीं। दिस इज द बेस्ट प्लेस हियर। ऊपर क्या शानदार नजर आया। आईपीएल की स्क्रीनिंग हो रही है, कोई किसी को अगर वीडियो देखना है तो आईपीएल आके देख सकता है, कर सकता है ना? एंड प्लेस तो बहुत मस्त लग रहा है। तो यहाँ पर बैठे हो या नीचे बैठते हैं क्या? Let's show them the place, then we can move. Okay, so interior तो बहुत मस्त लग रहा है। And these all are the sitting arrangement, right? Yes. तो कोई भी यहाँ पर आराम से बैठ सकता है। अच्छा, वो PDR है जो वहाँ पर बैठ के भी आप लोग खाना वाना ऑर्डर कर सकते हो। सो अभी नीचे जाके कुछ खाना वाना ऑर्डर करते हैं, दारू वारू पीते हैं, है ना? दादा वो तो रेडी हो रहा है, उससे पहले मैं आपको रूफ टॉप दिखाता हूँ यहाँ का। रूफ टॉप भी है ट्रैपीज में? ट्रैपीज में, हाँ। चलिए देखो यार, देखो मतलब मैं दो बार विजिट कर चुका, एक बार विजिट कर चुका था, बट मुझे पता ही नहीं था कि ऊपर भी है, ऊपर से टॉप फ्लोर भी है। इसीलिए तो बोलता हूँ आप लड़कियों का मामला छोड़ो और एक हम जैसा। चलो 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 भाई, मिलते हैं। ऐसे गले मिलना भी मुश्किल हो जाता है लड़कियों के साथ, है ना? क्या इधर से? तो हाँ। अच्छा, ओ अच्छा, तो ये है दादा आप यहाँ का रूफटॉप। कमाल है, कमाल है, बहुत सुंदर बाहर भी दिख रहा है। बाहर की तरफ ही चलते हैं। हाँ, ऑर्डर तो देना है ना। अच्छा, रूफटॉप में बैठोगे? क्लासिक वेदर है भाई, व्यू बैठने के लिए अल्टीमेट जगह है। क्या नज़ारा है मैम, क्या बताऊँ।
इसमें वो वाइब मिलेगा, कोलकाता का वाइब। आप ना प्रॉपर तरीके से कोलकाता को एक्सप्लोर भी कर पाओगे अगर रूफटॉप में बैठे। और यहाँ पर ड्रिंक्स पीने का मजा ही कुछ अलग है, मतलब खुले आसमान के नीचे ये तो मतलब रात की यादें ताजा कर देगी। वो देखो चांद दिख रहा है, कितना अच्छा चांद है। तो क्या माहौल यहीं बनाया जाए क्या? नहीं नहीं, नीचे बैठते हैं नीचे। मुझे ना नीचे पसंद है, क्योंकि मैं ठंडे में जब लास्ट टाइम आया था तब मेरे साथ वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, तो वो ताजा करना है। तो आर यू मिसिंग योर गर्लफ्रेंड? यस, स्टिल मिसिंग विद मी आल्सो। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो यस। ठीक है दादा। तो मुझे मिल गया ये, आई मीन टू से द मेन्यू, एंड व्हाट डू यू थिंक दादा? दिस मेन्यू लुक्स रियली कूल। आई थिंक दिस इज समवॉट बेटर देन अ हैप्पी आवर मेन्यू। रियली? या एग्जैक्टली, बिकॉज यू नो दे आर ऑफरिंग लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक 500 में मुझे एक कॉकटेल मिलेगा एंड स्टार्टर भी मिलेगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जॉनी वॉकर ब्लैक तीन मिलेगा, तीन थ्री जॉनी वॉकर ब्लैक, साथ में एक स्टार्टर भी। अच्छा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और लेना होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक काम करता है, मैं मैनेजर को बुला लेते हैं। जनरल मैनेजर को बुलाते हैं ना, सबसे तो चलो मैं जनरल मैनेजर को बुलाता हूँ। यहाँ पर यहाँ का जो जनरल मैनेजर है वो है मिस्टर कोबीत सिन्हा, तो मैं अभी आपको बुला के लाता हूँ फटाक से। ठीक है, एक मिनट करना। मिल गया कोबीत सिन्हा। कोबीत सिन्हा इज द मैन ऑफ दिस पिच। So, Kobit, we already found this menu. Yes. So, please explain us a little bit about this menu. Why, how it is possible? I mean to say, what is exactly happy hour? What do you think? Please. First of all, this happy hour, I don't like it. Huh? I don't like it. Huh? Why? क्या बात? Because. क्या बात कर रहे हो? उसमें तो पैसा बचता है। हाँ. Because, see, who am I to instruct you to be happy on these specific hours which I want? Come to Trappage. So, please explain what exactly is written over there. You want to be happy at 12 in the afternoon, you want to be happy at 12 at night, this is the menu for you. Oh, so, we are beer for three drinks, Dada. 500, you get one cocktail and one starter. Oh, wow. And these cocktails are at in this offer. I will show you to... If you see from here, if you don't like cocktails, if you want straight drinks. Drinks. Three red label and one starter at 500 only. Which we were discussing earlier, na? Three black and white and one starter at 500. Three Gordon's gin and one starter at 500. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए यार? और क्या चाहिए? 500 में मान लो मैं 6 पैक भी पी लिया तो 1000 रुपया खर्चा होगा। ऊपर से दो स्टार्टर। Yes. यार सही जगह। मजा आ जाएगा ना? मैं क्या क्या करे? गर्लफ्रेंड को लेकर आ क्या? दादा मेरे पास तो नहीं है। आप अपनी वाली को ले आओ। मुझे भी तो मैं मिला ना आज सुबह से गर्लफ्रेंड नहीं हो नहीं तो कपल बन जाओ। अच्छा ये क्या है? ये क्या है ये बता देना। दिस इज अ 249 मेन्यू। दिस इज अगेन अ हैप्पी मेन्यू। ये रहा 249 मेन्यू। ये भी एक इंटरेस्टिंग मेन्यू है तो ये भी जान लेंगे। बट व्हाट हैपेंस दैट दिस हैज अ ट्विस्ट। ओके। दिस हैपेंस ऑन वीकडेज फ्रॉम 12 टू 8। 12 टू 8। अच्छा 12 टू 8 इट्स अ डीसेंट टाइम। अच्छा हां वेरी गुड। So anything you order from this menu, these are cocktails and these are food and this is hookah. Okay. Anything you order from this menu, cost per everything costs 249 only. Food, drinks, everything. Yes. In whatever you order. अच्छा. 249. Specific कुछ menu है, मतलब cocktails भी है, यहाँ पर food भी है, and then dessert भी है, pizza भी है, starters भी है. Yes. This is best for students like us. आजा 249 पॉकेट में लेके एंजॉय करना है और अच्छे फूड भी एंजॉय करना है। यस ट्रूली। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू कोबीत। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच मोर टाइम। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। बहुत जल्द मिलते हैं ना हम लोग, घूमते हैं। दिस इज नॉट अ हैप्पी मेन्यू, दिस इज द हैप्पीएस्ट मेन्यू। तो हम लोग फटाफट खाना ऑर्डर करते हैं, कॉकटेल भी ऑर्डर करते हैं और ट्राई करते। ओके कोबीत को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू कोबीत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सी यू।
मुझे मेरी जिन की खुशबू आ रही है। क्या बात कर रहा है, जिन की खुशबू मतलब नाक है या कुत्ता है? अरे देखिए, अरे बोलते बोलते आ गया। ये है हमारी क्लैरिफाइड जिन कॉकटेल स्ट्रेंजर लव। बहुत सही लग रहा है, देख बहुत सही। गुलाब गुलाब है तो वो क्या है? क्रीमी फ्लेवर। अच्छा, मेरा कॉकटेल है ना ये जो मैंने ऑर्डर किया था, ब्रिंग मी फ्लावर। अच्छा, इसमें फ्लावर नहीं है, इसमें फ्लावर नहीं है, ये क्या है यार? मतलब ये तो गलत है, मतलब इसमें फ्लावर नहीं है। देखिए ये प्यार है, स्ट्रेंजर लव। स्ट्रेंजर लव, अच्छा ठीक है, तो फिर चलो सिप करते हैं ना। बाय द वे फूड कहाँ है? फूड आ गया क्या? हाँ फूड पे स्टार्टर्स भी। क्या मतलब, ओ वाओ, क्या लग रहा है। खुशबू देखो यार, खुशबू मतलब यही है वो चीज़ जिसको अचीव करने के लिए आपको ट्रैपीज में आना पड़ता है। तो भाई टाइम वेस्ट ना किए शुरू करते हैं, तो चेस तो कर लेते हैं। चेस चलो, अमेजिंग, रियली गुड, बहुत अच्छा। अब इसे पी के लग रहा है मुझे स्ट्रेंजर से लव हो जाएगा। खाना खाते हैं ना? श्योर, हाँ सब कर दिए, थैंक यू सो मच। तो टेस्ट करके देखिए यहाँ। एकदम एकदम, कॉकटेल तो बहुत धांसू दिख रहा है, चिकन भी बहुत मस्त लग रहा है, ये गार्निश भी बहुत सही है यार। देखो टमाटर को कितना क्या ड्रेसिंग किया। हाँ सही में सही लग रहा है। चिकन मुझे गार्निश नहीं मिलेगा क्या? अच्छा मुझे प्याज मिलेगा। वाह वाह, थैंक यू सो मच। मैं तो भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं भी, मैं शुरू कर रहा हूँ ठीक है। सो थैंक यू, चलो लेट्स स्टार्ट। लवली लवली जूसी चिकन। और अगर वेलकम, हाँ वेल, अगर नोटिस करोगे ऐसे हल्का प्रेशर करने से ये खोल जाए, देखो देखो है ना, हल्का प्रेशर करने से तो बहुत ही मस्त है। अमेजिंग अमेजिंग। तो प्याज थोड़ा खाते हैं। तो ये डिश का जो प्राइस है हम लोग नीचे दे रहे हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसका प्राइस क्या है, और आके टेस्ट जरूर करें। हाँ जरूर करना ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, और इस कॉकटेल के संग तो और इसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जा रहा है। कॉकटेल बहुत बहुत मतलब बैलेंस बना है। सो फाइनली खाना तो अभी भी है, हम लोग खाते रहेंगे ऐसा बात। सो एक रिकैप कर देते हैं ना, तुम बता दो मयूर। सो दिस वाज द क्लैरिफाइड जिन कॉकटेल दैट वाज नोन एज स्ट्रेंजर लव। बहुत ही प्यारा है ड्रिंक, दिस विल लाइक गो ऑन टू द बॉडी एंड इट विल हिट यू करंट। And this was Bring Me Flower along with the combo Murg Tikka. Murg Tikka. So you can get these for 500 in the happy menu throughout the day. Very good. मतलब ये तो मैं हम mention कर ही रहा था, तो हम लोगों का vlog कैसा लगा और मयूर का मतलब साथ कैसा रहा, मतलब आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉकटेल्स इंडिया। हाँ एग्जैक्टली, और मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जाते जाते हम लोग एक बात बोलते हैं, वो क्या है? जय हो जय हो जय हो, जै हो।